देखिए आज हम आपको दो आलू कच्चे से पापड़ बनाकर दिखाएंगे, वो भी मिनटों में। ना ही उबालने का झंझट है और ना ही बेलने का झंझट है, और बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर दिखाएंगे। ये तरीका आपने पहले शायद ट्राई नहीं करा होगा कभी। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा है, इस तरह से ट्राई जरूर करें। देखिए किस तरह से बनाए जाते हैं, और देखिए कितने कुरकुरे पापड़ है हमारे। देखिए हाथ में जाते एकदम कुरकुरे टूट गए हैं बिल्कुल। इस तरह से हमारे पापड़ जरूर बनाए, और ये देखिए हम किस तरह से बनाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको पापड़ की रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। एक बार हमने पापड़ की रेसिपी पहले भी डाली थी, वो उबाल के आलू डाले थे और बेल के बताए थे। आज हम बिना उबाले और कोई झंझट के बिना झंझट के बनाकर दिखाएंगे। हमने दो कच्चे आलू ले लिए हैं, इनको हमने छील लिया है और धो लिया है, और इन्हें बारीक बारीक कट करेंगे। देखिए आलू को हम कट करेंगे, इसके बारीक बारीक पीस करेंगे इस तरह से। ये आलू को हमने अच्छे से कट कर लिया है, इतने बारीक बारीक कर लिए। अब हम इन्हें जार में डाल देंगे और इनका बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए गिलास पानी ले लिया है, इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे और इसमें ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा आलू का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, और हम इसे चलनी में छानेंगे। जिसमें इसमें कोई मोटा होगा तो निकल कर बाहर आ जाएगा, और हमारा बारीक बारीक पेस्ट तैयार हो जाएगा। सारा छन गया है, ये मोटा इसमें आ गया है, और इसे तैयार करेंगे। देखिए हमने गैस कर दिया है कढ़ाई को इस तरह से बनने के लिए। इसमें हमने 3 गिलास पानी डाले हैं, हमें 3 गिलास पानी डालना है इसमें, और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हम 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे गाढ़ा होने तक। देखिए पहले से कितना गाढ़ा हो गया है, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, देखिए 5 मिनट तक कम से कम हम पकाएंगे। जब हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा पक्के तैयार हो जाएगा। देखिए 4 से 5 मिनट में हमारा तैयार हो गया है पेस्ट बन के। देखिए कितना गाढ़ा रखना है हमें, ये 5 मिनट में ठंडा होने के लिए रखेंगे। पानी की आपको बिल्कुल नाप के डालें, अगर आपके 2 छोटे आलू हैं तो आप पानी हिसाब से डालें, 1.5 या 2 गिलास ही पानी डालें। हमारे आलू बड़े थे तो हमने पानी ज्यादा डाला है। गोल ठंडा हो गया है, 5 मिनट हो गई है, और हम थोड़ा निवाया सा इसे बनाएंगे और दिखाएंगे आपको। ये हमने देखिए चूड़ी ले ली है, इस तरह से हम चूड़ी को रखेंगे और इसके अंदर अपने बैटर को डालेंगे। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे पापड़ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से चूड़ी को रख के बना सकते हैं। देखिए आपके फैलेंगे नहीं, दूसरी चूड़ी को हटा के फिर दूसरी लगा देंगे हम। ये बहुत आसान इजी तरीके से बन जाते हैं। देखिए बिल्कुल गोल पापड़ बनेगा। अब हम दूसरी चूड़ी को हटा देंगे, इसे हट लगा देंगे। आप बिना चूड़ी के बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे पापड़ आ रहे हैं हमारे। हमारे सभी पापड़ आलू के बनके तैयार हो गए हैं बिल्कुल इजी तरीके से। हम आपको सूखने के बाद दिखाएंगे, इन्हें हम 2 दिन तक सुखाएंगे तो आपके बहुत अच्छे सूख जाएंगे, फिर हम आपको तल के दिखाएंगे। देखिए सभी पापड़ हमारे हल्के हल्के सूख गए हैं, हमने इन्हें पलट दिया है। देखिए बहुत आसानी से हमारे पापड़ पलटे गए हैं। देखिए कितने छोटे छोटे पापड़ हैं, अगर आप इन्हें जल्दी पलट देंगे तो आसानी से उतर जाएंगे, अगर आप बिल्कुल सुखा कर उतारेंगे तो आपकी मुश्किल पड़ेगी उतारने में। देखिए आज की धूप पर लगाकर फिर हम आपको इन्हें भून कर दिखाएंगे कि कैसे बने हैं हमारे पापड़। देखिए हमारे पापड़ सूख के तैयार हो गए हैं, देखिए कितने बारीक बारीक बने हैं, कोई भी पापड़ हमारा फटा नहीं है। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, ये हमारे 2 आलू से 85 पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। आप 1 बार 2 बार का जब ध्यान रखें, आलू को अच्छे से धोएं, तो आपके आलू का पापड़ का कलर सफेद रहेगा और लाल नहीं पड़ेंगे। जितने अच्छे से धोएंगे उतने अच्छे पापड़ बनेंगे आपके। देखिए हमारे बिल्कुल करारे हो गए हैं, अब हम इन्हें भून के दिखाएंगे आपको। ये दिखाते हैं, हमने कढ़ाई रख दी है, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अपने पापड़ को डालेंगे, वो जल्दी पक जाते हैं। देखिए हमारा पापड़ भून के तैयार हो गया, कितनी जल्दी भुना है, पापड़ को भून के तैयार कर लेंगे।
सभी पापड़ हमारे भुनके तैयार हो गए हैं, एकदम कुरकुरे बने हैं। ये हमारे 2 दिन की धूप में तैयार हो गए हैं। अगर आप तेज धूप है तो 1 दिन में भी सूख सकते हैं बहुत जल्दी। और देखिए मिनटों में बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल नया तरीका है हमारा। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा है तो आप भी इस तरह से ट्राई करें, जरूर बनाकर देखिए इस पापड़ को किस तरह से बनाया जाता है। हमने पिछले साल भी डाले थे आलू के पापड़, वो हमने आलू को उबाल कर और बनाए थे, और ये हमने कच्चे आलू से दो कच्चे आलू से बनाए हैं। देखिए कितने बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हुए हैं हमारे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप ट्राई करें, हमारे वीडियो शेयर लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नई नई हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।